हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब का नाम और फेमस राइटर है एस सी वर्मा का हम टोटल चैप्टर का आप लोगों को न्यूमेरिकल बता रहे हैं। कुछ चैप्टर का हम दो तीन चार चैप्टर का बना चुके हैं। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। किताब का नाम एस सी वर्मा, चैप्टर का नाम होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीन नियम जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया है, लॉ ऑफ फोर्स है, लॉ ऑफ एक्शन है, रिएक्शन है। और इसमें बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत सारा फिगर बना हुआ, बंदर है, बंदर का पूंछ पर लटका हुआ है, कितना टेंशन लगेगा। टेंशन निकालने का मतलब फोर्स ही निकालना हुआ। तो इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यूज करें। इस न्यूमेरिकल में हम पेज नंबर लिख दिए हैं, जिसके पास किताब होगा पेज नंबर इसमें है 79। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 है। ये हेडिंग समझ गए, इसको हटाते हैं और शुरुआत करते हैं इसका कुछ क्वेश्चन से। पहले स्टार्टिंग में हम पहला ही क्वेश्चन से शुरू करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा इसको हम सेट कर लेते हैं एक मिनट, तो फिर ठीक से बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो शुरुआत क्वेश्चन इसका आसान रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा क्वेश्चन इसका हार्ड होते जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, नंबर क्वेश्चन का क्या ले रहा है पहला। एक ब्लॉक है, डाटा केवल लिखेंगे, ब्लॉक का मास कितना केजी है, 2 kg है। हॉरिजेंटल सरफेस पर फ्रिक्शन लेस और पुल किया बाय कांस्टेंट फोर्स एफ, कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको खींचा गया। अब कराइट इज फाउंड टू बी 10 meter in first 2 seconds मूव किया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा। आइए समझिए क्या कहता है। एक फ्रिक्शन लेस टेबल है, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास इसका कितना केजी है, 2 kg है। इसमें जब फोर्स लगाया, अभी क्या में ही था, रेस्ट में था, तो आगे मूव किया। ये जो मूव किया वो कितना मीटर मूव किया, यहां से यहां तक 10 meter। कितना टाइम लिया वो, 2 seconds। तो फोर्स निकालने का मतलब हुआ कि पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए इसका, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से m into a। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए कौन फॉर्मूला लगाए, सूटेबल क्या होगा, u मालूम है, s मालूम है, t मालूम है, तो आपका फॉर्मूला यही होगा, s ut + ½ at² होगा। s हुआ 10, u 0 है, हाफ ए निकालना है, टाइम 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से आप 2 से काट दीजिए, उधर से 1 कट के कितना आएगा, 5 meter per second square। एक्सेलरेशन निकल गया, तो फोर्स इक्वल टू m into a कर दीजिए, 2 into 5 कर दीजिए, एंसर 10। यूनिट क्या इसका आएगा, न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू कितना न्यूटन हुआ, 10 newton। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। शुरू में इसका जो क्वेश्चन है f बराबर m into a पर ही आधारित है। एक्सेलरेशन निकालिएगा, मास दिया रहेगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, फोर्स भी निकल जाएगा। अगला ये सेकेंड नंबर, ए कार इज मूविंग एट स्पीड u दिया हुआ 40 km/h इज टू बी स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक इन नेक्स्ट 4.0 meter, s दिया हुआ। कार का वेट मतलब मास दिया हुआ है 200 kg। फाइंड द एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। कार एक है मान लीजिए ऐसे, मैंने हमको भी इसमें डी एक्सलरेशन ही निकालना होगा, ए का वैल्यू निगेटिव में आएगा,
कार जा रहा था, यू दिया हुआ है, और कार जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कौन फॉर्मूला लगाए, भी मालूम है, यू मालूम है, एस मालूम है, तो ए निकालने का सूटेबल फॉर्मूला होगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। लेकिन इसको आपको चेंज करना होगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में, 45/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इसको आप काट सकते हैं 20, इसको 9, उन्हें 100/9 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब फार्मूला लगाइए, वी स्क्वायर बराबर ऐसे माइनस यहीं पर यूज कर देते हैं, रिटार्डेशन है, तो ए का वैल्यू उधर जीरो आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बटा कितना होगा 2s, यू का वैल्यू स्क्वायर है 100 × 100, 9 × 9 × 2, और एस का वैल्यू कितना है 4, कहीं से भी कैंसिल कर दीजिए, ये 25, इसको भी काट सकते हैं आप, कितना 50, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1250, नीचे कितना होगा 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका रिटार्डेशन निकल गया। और कार का आपको मास दिया हुआ, तो एवरेज फोर्स जो लगाना होगा m × a, तो 2000 ये हो गया है, और उधर हो गया आपको 1250 डिवाइडेड बाई 81। तो ऐसा कीजिए आप, इसको हम 250 कर देते हैं, और 3 और इधर 10 का पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 81। 250 में हम डिवाइड करते हैं, इसमें आपको 250 डिवाइडेड बाई 81 कर रहे हैं, 81 मतलब 3.086 ऐसे आया, 10 का पावर 4, और यूनिट इसका क्या दीजिए आप, न्यूटन। मतलब ये निकालने के बाद जब मास दिया हुआ है तो आपको क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, मास और एक्सलेशन या रिटार्डेशन निकालने के बाद। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, थर्ड आइए, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा, लंबा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा वही एम ए पूरा। इन ए ट्यूबर पिक्चर ट्यूब, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड विथ निगलिजिबल स्पीड, माने यू इक्वल टू क्या लीजिएगा जीरो, रीच ए वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी पहुंच जाता है 5×10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। इमेजिंग द स्ट्रेट लाइन मोशन, फाइंड द कॉन्स्टेंट फोर्स एग्जर्टेड, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं 9.1×10⁻³¹ kg। आइए इसमें भी आपको क्या निकालना होगा, एक्सलेशन निकालना होगा। टीबी में जो पिक्चर ट्यूब से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, बहुत शुरू में तो वेलोसिटी जीरो रहता है, लेकिन बहुत कम ही सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल के बाद वो बहुत हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। देख रहे हैं यहाँ पर पावर कितना है 6, तो आपका ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, खाली मीटर हो गया। क्या फॉर्मूला लगाइएगा, यू स्क्वायर प्लस 2s, यू जीरो है तो a बराबर वी स्क्वायर बटा कितना होगा 2s, वी माने 5×5, और 6 को दो बार करने की जाए तो 10 का पावर 12 कर देते हैं, और नीचे 2 × 10⁻², ये 25/2 12.5, और 10 का पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकाल लिए, अब इससे फोर्स निकाल लीजिएगा m × a, मैंने 9.1 31 12.5 10 का पावर 14। अब इसको गुना कीजिए 9.1 12.5, यहाँ पर पावर देखिए −31 है, −31 आ रही +14 है, तो इसको जोड़िएगा 11 − 7 17 आएगा 10 का पावर −17, यूनिट इसका भी क्या दीजिएगा न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन,
फोर क्वेश्चन देखिए। फोर में कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाई लाइट स्ट्रिंग, सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जी का वैल्यू 10। मतलब एक मास पहला है 0.2 kg और दूसरा मास है 0.3 kg, दो धागा होगा दोनों को जोड़ने के लिए। पहला मास कहता है कि मान लो सीलिंग है, उससे एक मास को लटका दिया M1 0.2 kg, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया, और इससे फिर एक स्ट्रिंग बांध के M2 को लटका दिया, इसका मास कितना 0.3 kg। धागा पर क्या टेंशन आएगा? टेंशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों का वेट नीचे लगेगा, इसका M1g, इसका क्या लगेगा M2g। अगर फर्स्ट धागा में टेंशन T1 मानिए और सेकेंड में क्या मान लीजिए T2, इस धागा का टेंशन दोनों के मास के ऐड करके इनटू क्या करना होगा जी, क्योंकि इस धागा पर दोनों का मास का लोड है। तो T1 आप इसे लिखिएगा कि M1 प्लस M2 इनटू कितना जी, M1 M2 जोड़िए तो 0.5 × 10 ये कितना न्यूटन हुआ 5 न्यूटन। और सेकेंड धागा पर जो T2 लगा वो केवल क्या लीजिएगा M2g 0.5 × 10, मतलब इसका टेंशन कितना न्यूटन होगा 3 न्यूटन होगा। समझ में आ गया? ये तो सिंपल क्वेश्चन ही सब है, 4 नंबर बन गया। अब आते हैं आपको अभी शुरू वाला छोटा क्वेश्चन को बना ही देंगे, जो बड़ा रहेगा उधर हम देखेंगे। 5 में देखिए, 5 में कहता है 2 ब्लॉक ईच ऑफ इक्वल मास एम, 2 ब्लॉक्स है, दोनों का मास कितना ईच का एम है, मास कितना है एम, आर टाइट टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग, 1 ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग विथ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक। अब ऐसे समझिए, अभी सिंपल है, ये फिगर बनाते हैं। 2 स्ट्रिंग है, दोनों का मास है, ये भी मास क्या है एफ है, और इधर से है, इसको हम जाके खींच रहे हैं, तो जो खींच रहे हैं तो यह स्ट्रिंग पर कितना टेंशन आएगा। देखिए इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है, ये ब्लॉक, तो धागा पर जो टेंशन या फोर्स लगा इसमें, और न्यूटन के थर्ड लॉ से एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस पर टेंशन किधर लीजिएगा, इधर लीजिए। अगर इस मास को हटा देते तो उसको खींचने में हमको कभी फोर्स लगता, तो दोनों का क्या इक्वेशन लिखेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखना होगा, फ्री बॉडी, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ही बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट आइए, फर्स्ट पर केवल एक फोर्स लगा टी, सेकेंड में 2 फोर्स लगा, इधर लगा एफ और उल्टा में लगा कितना टी, इसका भी एक्सलेशन ए, इसका भी एक्सलेशन ए, फर्स्ट का इक्वेशन टी बराबर क्या लिखेगा M into A, सेकेंड का क्या लिखेगा F - T बराबर M into A, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो कैंसिल हो गया, F = 2ma, एक्सलेशन निकालना रहता, एक्सलेशन पूछता तो इसका आंसर F / कितना होता 2m। अब यहाँ पर पुट कीजिए या यहाँ पुट कर दीजिए तो टेंशन निकल जा रहा है, टेंशन T = m × A, ए का मतलब F / 2m, mm कट गया F / 2, तो धागा का टेंशन जो हुआ, जो अप्लाइड फोर्स हुआ उसका हाफ हुआ। ये कंडीशन कब यूज होगा, जब दोनों का मास क्या रहता सेम रहता। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5 न्यूटन ला का।
सिक्स में आइए, सिक्स में एक फिगर है, पहले हम फाइव फिगर पर ही क्वेश्चन है, फिगर को ड्रॉ करते हैं, ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, इधर क्या है वाई एक्सिस, इधर वेलोसिटी है, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, इधर टी है टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। ग्राफ का नेचर देखिए ऐसे गया है, फिर पैरेलल है, फिर आपका ऐसे गया है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर टू है, मतलब यहाँ पर थ्री होगा, बीच में फोर है तो यहाँ पर फाइव होगा, यहाँ पर है सिक्स है, लास्ट वाला है एट है, टू फोर सिक्स। फाइंड द फोर्स, एक पार्टिकल का मास भी दिया हुआ है 50 ग्राम, फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन पार्टिकल टी बराबर 2 सेकेंड, दूसरा है 4 सेकेंड, तीसरा है 6 सेकेंड, इसमें आपको फोर्स का वैल्यू निकालना है। फोर्स निकालना है तो अगर मास दिया हुआ है इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालना होगा, और अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए टाइम इधर लिया, इधर लिया वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ा, ये कौन मान लीजिए थीटा है, अगर टाइम थीटा लेंगे तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी यू है, इस पॉइंट पर मान लीजिए वेलोसिटी वी है, यहाँ टाइम जीरो है, यहाँ टाइम टी है, तो टाइम थीटा वी माइनस यू टी माइनस जीरो या ये क्या हुआ ए, तो स्लोप ऑफ वी और टी का ग्राफ का जो स्लोप होता है वही ग्राफ का एक्सलरेशन देता है इधर मीटर पर सेकेंड में। पहला टाइम है ये 2 सेकेंड, यहाँ ग्राफ का नेचर देखिए, जीरो से लेके 3 सेकेंड तक, जीरो से 3 सेकेंड तक उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। 2 सेकेंड में निकालिए, 2.5 सेकेंड में निकालिए, या 3 सेकेंड में निकालिए, या 1.5 सेकेंड में, तो क्या बोल रहे हैं, अगर हमको टाइम दिया है पहला क्वेश्चन 2 सेकेंड, तो ये टाइम क्या होगा जीरो से कितना सेकेंड के बीच में 3 सेकेंड। तो ए बराबर टाइम थीटा निकालिए या स्लोप निकालिए, तो स्लोप मतलब वाई बटा एक्स कीजिएगा, सॉरी ये वाला पॉइंट कहाँ पर लिया हुआ था 15 पर है, 15 है, इधर है आपका 5 दिखा रहा है, बीच में 10 दिखा रहा है, उधर है 15, तो टाइम थीटा 15/3 ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकाल लिया, ए निकाल लिया तो फोर्स निकाल लिया, एम इंटू ए कर दिया, लेकिन ये ग्राम को क्या में लेना होगा केजी में, 50 × 10⁻³ इंटू 5 मतलब 250 × 10⁻³ हटा दीजिए तो अंतर 0.25 यूनिट क्या होगा न्यूटन। अब आइए 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में और 6 सेकेंड में, अब सेकेंड टाइम कितना काटा है 4 सेकेंड, तो ग्राफ का नेचर देखिए 3 और 5 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा कहाँ से 3 और 5, टी इक्वल टू 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, यहाँ पर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यू भी और वी भी दोनों का वैल्यू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। जब नहीं चेंज हो रहा तो एक्सेलरेशन टैन थीटा इसका क्या हो जाएगा जीरो, और फोर्स हो रहा एम इंटू ए कीजिएगा तो इस केस में फोर्स क्या आ गया जीरो। पहले देखिए वेलोसिटी बढ़ा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया, एक्सेलरेशन इस पार्ट का क्या हुआ जीरो, फिर वेलोसिटी घटा और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। तो अगला आपको 6 सेकेंड में, मतलब जब वेलोसिटी घटने का मतलब हुआ कि बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, और रिटार्डेशन के कारण उसका वेलोसिटी घटा और फाइनली रुका, तो अगर हमको टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड तो इसको किस टाइम के बीच में निकालिएगा 5 to 8 सेकेंड के बीच में।
तो ही आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस में लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होगा ये थीटा, इसका 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा कीजिएगा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, तो मतलब 15/3 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स बराबर एम इंटू ए, मतलब 50 माइनस 3 इंटू माइनस 5, मतलब माइनस 2.5 न्यूटन आया। इसका मैग्नीट्यूड बोलिएगा फोर्स का, तो वही आंसर होगा 0.25 न्यूटन। शुरू में फोर्स लगाने से उसका वेलोसिटी बढ़ा, नेक्स्ट टाइम पर फोर्स मतलब जीरो को उस फोर्स नहीं लगाया, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया और फाइनली आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो बॉडी लास्ट में क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो ये था आपका ग्राफिकल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, टू ब्लॉक 7 नंबर देखिए, टू ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक का नाम ए दिया, एक का नाम बी दिया, मास इसका है एम ए और इसका मास है एम बी, केप्ट इन कंटेक्ट ऑन फ्रिक्शन लेस टेबल, एक्सपेरिमेंटल पुश ए ब्लॉक बिहाइंड सो डैट ब्लॉक एक्सेलरेट, ब्लॉक ए एग्जर्ट फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, व्हाट फोर्स एग्जर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑन ए। समझिए जब उल्टा क्वेश्चन हुआ, ए बॉडी है मान लो, इसी से कंटेक्ट में कौन बॉडी है, बी है, इधर से एक्सपेरिमेंट क्या फोर्स लगाया वो आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ए जो इसको ढकेल रहा है वो कितना फोर्स है, एफ से, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था उसको मान लीजिए आप ए। फिर से समझिए, दो ब्लॉक है ए और बी, जो दोनों क्या में रखा हुआ है, कंटेक्ट में है, एक एक्सपेरिमेंटल इसको ढकेला कि दोनों साथ में सेम एक्सेलरेशन से मूव किया, इसका हमको अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाइएगा, देखो ए पर दो फोर्स लगा ए और यहाँ पर क्या है बी है, बी पर तो ठीक है एफ फोर्स लगाया कितना एफ, तो इस पर उल्टा फोर्स लगाएगा एफ, और इधर से एक्सपेरिमेंटल लगाया कितना एफ वन, जब इसको हटा देंगे तो इसको उसी एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स लगाएगा, इसका मतलब अगर आप ए बी पर फोर्स लगाए तो न्यूटन थर्ड लॉ से बी ए पर फोर्स लगाएगा, तो इसका इक्वेशन देखिए, इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में ये भी गया, इस पर नेट फोर्स क्या हुआ, ए बॉडी पर नेट फोर्स लिखिएगा, तो एफ वन माइनस एफ बराबर इसका मास है एम ए इंटू एक्सलेशन ए, बी का पर एक ही फोर्स लगा एफ बराबर एम बी इंटू ए, आपको कैलकुलेट करना ही ध्यान रखिएगा किसका वैल्यू एफ वन का, ये दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा, ये दोनों ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए तो एफ वन बराबर एम ए प्लस एम बी इंटू ए, ए का वैल्यू निकल गया एफ वन एम ए प्लस एम बी, ये आंसर नहीं हुआ एक्सेलरेशन, ये भी आंसर नहीं होता क्योंकि आपका तो एफ वन अननोन है, एफ के एफ का वैल्यू निकालना। अब आप क्या कीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पर अगर फुट कर देते हैं किस इक्वेशन में, सेकेंड में, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम बी इंटू ए, ए का वैल्यू बैठाइए एफ वन एम ए प्लस एम बी, तो एफ वन निकाल लो क्रॉस करो एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू कितना एफ, ये अलग अलग डिवाइड कर दो एम ए बाई एम बी प्लस वन इंटू एफ, ये क्या निकाला, निकाल लिया एफ ने निकाला था एफ, एफ बराबर एफ वन हम पहले निकाले किसका वैल्यू ए, ए का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिया, अच्छा ठीक है, तो आपका ये आया
इधर आ गया, ये नहीं F1 था, ये वाला वैल्यू क्या है, F है, ठीक है, सॉरी F इंटू ए का वैल्यू आप पुट किया ये वाला, ठीक है, हमको निकालना था F1, तो F1 ये हो गया, ऐसे क्रॉस कर दिए, ये वैल्यू हुआ F1। इतना ही फोर्स एक्सपेरिमेंटल के द्वारा लगाया गया, किस बॉडी पर लगाया गया, ए पर, कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक साथ मूव किया ऑन द होरिजेंटल सरफेस। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाए, बेसिक क्वेश्चन का मतलब फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिएगा फोर्स का मतलब कौन फोर्स, नेट फोर्स, जो नेट फोर्स लगेगा उसी को आप कीजिएगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, तब आपका सब इक्वेशन, दो तीन इक्वेशन आएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा तो उसके लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आगे कैलकुलेशन हो जाएगा। थैंक यू।